प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से वाराणसी से चुनाव मैदान में हैं और तमाम नजरें इस बार टिकी हैं। माना यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से यहां से चुनाव जीतेंगे, ऐसा बीजेपी के तमाम लोग दावा कर रहे हैं। हमारे साथ केशव मौर्य जी हैं, डिप्टी सीएम साहब। ये बताइए सर कि प्रधानमंत्री का जो जीत का रिकॉर्ड है, आप लोग सब दावा कर रहे हैं कि इस बार बढ़ेगा, क्या होगा? निश्चित तौर से बढ़ेगा। मैं लगातार पूरे जो आखिरी चरण के चुनाव हैं उनके दौरे करते हुए काशी का भी लगातार संपर्क कर रहा हूं, सभाएं कर रहा हूं, और जो सभाएं आदि करता हूं उसके आधार पर लोगों के अंदर एक ऐसा उत्साह है कि मोदी जी हमें सांसद के रूप में मिलेंगे और देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। 2014 में थोड़ी शंका थी कि बड़ोदरा से भी लड़ रहे हैं, काशी से भी लड़ रहे हैं, तो पता नहीं कौन सी सीट को अपनी सीट बनाएंगे। लेकिन जब उन्होंने अपनी कर्मभूमि बाबा की नगरी को बना लिया, गंगा माँ के चरणों में आकर के उन्होंने नमन करके सेवा की शुरुआत किया, तो अब काशी मोदीमय हो गया है और मोदी जी काशीमय हो गए। मोदी जी काशीमय हो गए, लेकिन ये बताइए कि इस बार कहा जा रहा है कितनी सीटें आएंगी, सब तमाम लोग इस बात के कयास लगाने शुरू हो गए। अब तो एग्जिट पोल भी शुरू हो जाएगा 19 तारीख की शाम से। कोई कह रहा है कि बहुमत से दूर रहेगी बीजेपी, कोई कह रहा है कि 200 का आंकड़ा नहीं पार करेगी, क्या है आकलन? जो कह रहे हैं उनके अंदर से अगर धड़कन नापे, किसी डॉक्टर से नपवाएं, उनकी धड़कन इतनी तेज बढ़ी हुई है, उनको मालूम है कि बीजेपी अकेले 300 सीटें जीत रही है और गठबंधन के साथ 400 जीत रही है, यूपी में 73 से ज्यादा सीटें जीत रही है। बुआ भतीजे की इस समय धड़कन बढ़ी हुई, बौखलाए, घबराए, पगलाए टाइप के लोग हो गए हैं। अब पश्चिम बंगाल का हाल आप देख ही रहे हैं, इतनी तीव्र लहर है कि मायावती जी, वहां ममता बनर्जी कहीं खड़ी नहीं रह पा रही हैं। रोड शो पर, राष्ट्रीय अध्यक्ष के रोड शो पर हमले करवा रही हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी की सभा है उसका मंच तोड़वा रही हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, अगर वो जीत रही होती, जो जीतता रहता है वो उपद्रव नहीं करवाता है, जो जीतता रहता है शांति से कि हम जीत रहे हैं और हमें कोई विवाद के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन वो इस बार जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल से कम्युनिस्टों का शासन समाप्त हुआ था, उसी प्रकार से तृणमूल कांग्रेस का शासन के अंत का संकेत है वहां, जिस प्रकार का उपद्रव हो रहा है। और उत्तर प्रदेश में तो कमल के फूल की बयार है ही, मोदी जी की बयार है ही। लेकिन ये जो आप लोग दावा करते हैं ना 73+ का, लोगों को लगता है कि ये सच्चाई से परे है, ये रैशनल नहीं है, इतना आप नहीं जीत सकते हैं, क्योंकि गठबंधन के वोट शेयर दोनों का मिलना, वोटों का ट्रांसफर, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो आपको भी रोक रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए 2014 में जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे तो 272+ का नारा दिया गया था, किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि 272+ और बीजेपी। लेकिन 272 की जगह देश की जनता ने 282 से ज्यादा सीटें हमको दे करके और यह बताया कि जो हम मांग रहे हैं उससे 10 ज्यादा देने का काम कर रहे हैं। 2017 में विधानसभा के चुनाव थे, कोई भाजपा सरकार में आएगी, मायावती जी तो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने की तैयारी कर रही थी, लेकिन 19 के अंदर सिमट गई और भारतीय जनता पार्टी 325 से अधिक सीटें इसी यूपी के अंदर जीत करके आई है।